महाराष्ट्र के चर्चित एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब सामने आ चुका है, जिसके बाद से वो काफी चर्चा में है। उसके एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट से गैंगस्टर बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। सलमान को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई भी चाहते थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताए, लेकिन एक घटना ने लॉरेंस की लाइफ में सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 2008 में लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है। उस समय वो 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसे अपनी क्लास की एक काजल नाम की लड़की बहुत पसंद थी। वहीं काजल भी लॉरेंस को पसंद करती थी। इसी के चलते साल 2008 में ही पहले दोनों की दोस्ती हो गई। लॉरेंस बिश्नोई अपने बचपन से ही स्टाइलिश था और महंगे कपड़े पहनता था। लॉरेंस के घर में आर्थिक तंगी नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर विश पूरी करते थे। लॉरेंस बिश्नोई की पढ़ाई पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में हुई। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और उसकी दोस्त काजल की 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी हो गई और अब दोनों को कॉलेज जाना था। काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसे देखकर लॉरेंस भी उसके पीछे पीछे उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों की लव लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और दोनों ने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद दोनों शादी कर लेंगे। पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में नेतागिरी करने लग गए और दोस्तों की एक गैंग बन गई। इसके साथ ही अब लॉरेंस के दुश्मन भी बने और कॉलेज में दूसरे छात्रों की एक गैंग लॉरेंस बिश्नोई के पॉपुलर होने पर उससे चिढ़ने लग गए। दूसरी गैंग जानती थी कि लॉरेंस बिश्नोई की जान काजल में बसती है। वहीं कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई खड़े हुए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, बल्कि उसकी विरोधी गैंग जीत गई। अब कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई हर समय दूसरी गैंग के निशाने पर रहने लगे, क्योंकि उनके हाथ में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद ताकत आ गई थी। ये गैंग के लोग काजल और लॉरेंस को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए प्लान भी बनाया ताकि लॉरेंस परेशान हो जाए। जानकारी के अनुसार साल 2011 में दूसरी गैंग ने कॉलेज में काजल को लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया और ये लव स्टोरी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक एक्सीडेंट कहा जाता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ बदल गई और कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक गैंग बन गई। वहीं धीरे धीरे ये गैंग मजबूत होने लगी और लॉरेंस ने एक रिवॉल्वर खरीद ली। इसके बाद लॉरेंस ने उन नेताओं पर फायरिंग कर दी जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड काजल को मारने के आरोप लगे थे और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की दुनिया में एंट्री हुई। ब्यूरो रिपोर्ट E24।